बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फेयर रिपब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का क्लास 6 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड मीन घिरा हुआ, ट्रैश कूड़ा क्रिकेट, कूड़ा क्रिकेट से घिरा हुआ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो किस तरह से पब्लिक प्लेस, मार्केट एरिया पर जाते हैं और किस तरह से वहाँ पे वो रबिश फेंकते हैं और इर्द गिर्द की जगहों को किस तरह से वो गंदा करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन, क्या कभी आप गए हैं टू अ पार्क, एक पार्क में, टू अ रिवर साइड, दरिया के किनारे पर, और अ बिजी मार्केट एरिया या मसरूफ मार्केट गए हैं, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा। पीपल कम हियर फॉर फन, बहुत से लोग यहाँ पर सैर तफरी के लिए, फॉर वर्क, काम के लिए, एंड फॉर इंटरटेनमेंट और तफरी के लिए आते हैं। एंड व्हेन दे गो बैक और होम, और जब वो घर वापस जाते हैं, दे लीव बिहाइंड पीछे दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन पहाड़, स्मेली बदबूदार, ट्रैश कूड़ा क्रिकेट, एंड रबिश गंदगी, ट्रैश कूड़ा क्रिकेट। और जब वो जगह छोड़ते हैं तो वो अपने पीछे बदबूदार, कूड़ा क्रिकेट और गंदगी का ढेर छोड़ जाते हैं। लिटरिंग हैज़ बिकम बन चुकी है अ कॉमन आम हैबिट, आदत, एंड द एविडेंस सबूत एवरीवेयर, हर जगह, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। कूड़ा क्रिकेट एक आम आदत बन चुकी है और इसका सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अवामी मकाम पर, वी फाइंड, हम पाते हैं सिगरेट बट्स। बट्स मीन पीसीज, टुकड़े। बट्स टुकड़े, ब्रोकन बॉटल्स, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग, चिप्स रैपर्स, चिप्स के लिफाफे, हाफ ईटन फूड, आधा खाया हुआ खाना, एंड रोटन मीन गले सड़े। रोटन फ्रूट्स, गले सड़े फल, थ्रोन, फेंके गए केयरलेसली, बेहतियाती से, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, पार्किंग एरियाज, पार्किंग वाली जगहों पर, एंड साइड वॉक्स, और चलने वाले रास्तों पर। अगर हम किसी अवामी जगह पर जाते हैं तो हम सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के बैग, चिप्स के लिफाफे, आधा खाया हुआ खाना और गले सड़े फल, बे एहतियाती से, ज़मीन पर, पार्किंग की वाली जगहों पर और चलने वाली जगहों पर पाते हैं। वेयर एवर, जहाँ कहीं वी गो, हम जाते हैं, वी क्रिएट मीन पैदा करना, अ मेस, गंदगी, एंड वी डू इट ऑल द टाइम, और हम ये हर वक्त करते हैं, विदाउट, बगैर, इवन कंसीडरिंग, सोचते हुए, आर एक्शन, अपने अमाल, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम गंदगी फैलाते हैं, और हम ऐसा हर वक्त करते हैं, बगैर अपने अमाल के नताइज की परवाह किए हुए। व्हाट डस ऑल दिस टेल अस, ये सब हमें क्या बताता है, अबाउट आर सिविक, सिविक मीन
माशरती समाजी माशरे से मुतल्लिक सिविक सेंस समाजी शऊर समाजी एहसास एंड सोशल वैल्यूज सोशल वैल्यूज माशरती इकदार वैल्यूज इकदार सोशल माशरती ये सब हमारे समाजी एहसास और माशरती इकदार के बारे में क्या बताता है इट इज़ अ सैड फैक्ट ये एक अफसोसनाक हकीकत है दैट पीपल के लोग यूजुअली आम तौर पर डू नॉट फील गिल्टी गिल्टी कसूरवार मुजरिम गिल्टी कसूरवार अबाउट लिटरिंग कूड़ा करकट फैलाने में इन एरियाज जगहों पर वेयर गार्बेज गंदगी इज ऑलरेडी पहले ही स्कैटर्ड बिखरी हुई अराउंड इर्द गिर्द स्कैटर्ड बिखरी हुई It is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि लोग उन जगहों पर जहां पहले ही गंदगी फैली हुई होती है कूड़ा करकट फैलाने में कसूरवार नहीं महसूस करते Many people think, बहुत से लोग सोचते हैं that it is a right to litter as it is right. ये उनका हक है to litter गंदगी फैलाना as it is the duty of sweepers. Sweepers सफाई करने वाले खाकरू स्वीपर्स खाकरू झाड़ू देने वाले एज इट इज द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन कि ये खाकरूबों का फर्ज है कि वो इस इलाके को साफ रखें बहुत से लोग सोचते हैं रखें कि इट इज राइट टू लिटर कि गंदगी फैलाना उनका हक है क्योंकि इस जगह को साफ करना खाकरूबों का फर्ज है सम पीपल थिंक दैट दे स्टे कुछ लोग ख्याल करते हैं दैट के दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल थोड़ी देर के लिए शॉर्ट वाइल थोड़ी देर के लिए कुछ लोग ख्याल करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए क्याम करते हैं एंड इट डज़ नॉट मैटर और ये कोई बात नहीं व्हाट कंडीशंस दे लीव द प्लेस इन कि वो इस जगह को किस हालत में छोड़ते हैं अदर्स फील्स टू लेजी सुस्त काहिल टू वॉक अप जाना टू ट्रैश कैन कूड़ादान तक टू डिपॉजिट फेंकना जाया करना टू डिपॉजिट रबिश गंदगी इनिट इसमें कुछ लोग इतनी सुस्ती महसूस करते हैं कि वो कूड़ादान तक नहीं जाते ताकि कूड़ा ज़ाया कर सके मैनी पीपल आर्ग्यू बहस करना दलील देना मैनी पीपल आर्ग्यू बहुत से लोग दलील देते हैं दैट देयर इज ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आर स्ट्रीट्स कि हमारी गलियों में पहले से ही बहुत ज़्यादा गंदगी है दैट वन मोर शॉपिंग बैग मज़ीद एक शॉपिंग बैग और जूस बोतल और जूस की बोतल वुड रियली मेक नो डिफरेंस एट ऑल कि किसी शॉपिंग बैग या जूस की बोतल से वाकई ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रैश दैट इज़ लेफ्ट कूड़ा करकट जो कि लेफ्ट अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द छोड़ा जाता है अट्रैक्ट्स मुतवज्जो करता है ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है दैट इज पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अट्रैक्ट्स मुतवज्जो करता है जम जरासीम को फ्लाइज मक्खियों को मॉस्किटोज मच्छरों को एंड इंसेक्ट्स हशरात कीड़े मकोड़े कूड़ा करकट जो हमारे इर्द गिर्द छोड़ा जाता है वो जरासीमों मक्खियों मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है
रोटन फ्रूट्स, गले सड़े फल एंड डिकेइंग डिकेइंग इसका मीनिंग भी गले हुए फूड स्टफ खाने पीने की अशिया. इमिट मीन खारिज करना, छोड़ना. खारिज करना, छोड़ना, दैट इज वर्ब. पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस जहरीली, पॉइजनस जहरीली, दैट इज एडजेक्टिव. जहरीली एंड बैड स्मेल और गंदी बदबू विच आर एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हार्मफुल, नुकसानदेह, हार्मफुल, नुकसानदेह फॉर आर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए. गले सड़े फल और खाने पीने की चीज़ें जहरीली गैसें गंदी बदबू छोड़ती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. बट वर्स्ट ऑफ ऑल, वर्स्ट, बदतरीन, वर्स्ट ऑफ ऑल इन सबसे बदतरीन, इट गिव्स द एंटायर पूरे एरिया इलाके को एन अनटाइडी लुक, गंदी, गंदा शक्ल. लेकिन सबसे ज़्यादा बदतरीन ये है कि ये पूरे माहौल को एक गंदी दिखाई देती है. लिटरली शोज, कूड़ा क्रिकेट फैलाना शोज दिखाता है दैट पीपल लैक कमी सिविक सेंस, सामाजिक शौर की एंड हैव लिटल इंटरेस्ट और कम तवज्जो है, दिलचस्पी है इन प्रिजर्विंग महफूज करने में देयर इन्वायरमेंट माहौल, प्रिजर्विंग हिफाजत करने में. कूड़ा क्रिकेट फैलाना ये जाहिर करता है कि लोगों में सामाजिक एहसास की कमी है और उनको अपने माहौल की हिफाजत करने में बहुत कम दिलचस्पी है. द ट्रूथ इज़ दैट, सच ये है, इफ़ वी मेक अ लिटल एफर्ट, कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें टू डिस्पोज, ज़ाया करने की, ऑफ गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट को, आर सराउंडिंग्स, हमारा माहौल विल बी क्लीन, साफ होगा एंड सेफ और महफूज होगा. सच ये है कि अगर हम कूड़ा क्रिकेट को ज़ाया करने की थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा माहौल साफ और महफूज होगा. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आपको ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.